सारण लोकसभा क्षेत्र के नयागांव इंटर कॉलेज में भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थन में जनसभा का आयोजन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पति पत्नी की सरकार उनकी सरकार 15 साल तक सत्ता में रही लेकिन अपने राज्य और जनता के लिए कुछ नहीं किया। छपरा से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आपको इतिहास पुरुष के दर्जे में डालेगा जो नए पटना और नए बिहार का जो आपने रचना बनाया है उसमें सबसे पहली पहचान आपकी बनेगी। हमारे बीच से ये हमेशा आपके साथ। मित्रों, अभी से 6 महीना पहले मैं इनके पास गया था। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, छपरा के, सोनपुर के लोग, नया गांव के लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि पूरे पटना का भीड़ उतार करके सोनपुर में उतार दिया जाता है, नया गांव में उतार दिया जाता है, दिघवारा में उतार दिया जाता है। हम लोग को निवारण चाहिए। निर्माण अगर कभी हो सकेगा और कहीं हो सकेगा तो आपके कर कपड़ों से हो सकेगा। लोग रायपुर की बात करते हैं, लोग जोधपुर की बात करते हैं, आपके कर कमलों से बड़ा निर्णय होगा। यहाँ के किसानों को सही मुआवजा मिलेगा। राज्य उस बड़े पटना की बात नहीं, पटना की बात क्योंकि ना पटना में जगह है, ना फतुहा में जगह है, ना दानापुर में जगह है, ना बिहटा में जगह है। अगर जगह है तो सारण की धरती पर। हम आपसे गुजारिश करते रहेंगे और हमारे नौजवान भी आपसे गुजारिश करते रहेंगे। आपका दूरदृष्टि हमेशा बना रहता है, आपका सोच बहुत बड़ा है। अभी हमारे मंच पर बात हुई, उन्होंने कहा रूडी जी, मेरी चिंता चुनाव और वोट से ज्यादा कहीं आने वाले दिनों में बिहार में अकाल ना पड़ जाए, पानी की कमी नहीं पड़ जाए। अकाल की व्यवस्था करता है पहले आपकी पेट की व्यवस्था करता है, पहले आपके खेत की व्यवस्था करता है, पहले आपके पशु की व्यवस्था करता है, तब हेलीकॉप्टर में घूम घूम कर वोट मांगता है। ऐसा देश की राजनीति में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा जो नीतीश कुमार जी करते हैं। और ये सच्चाई ना दिखावा है। एक दिन तो मैं दुनिया का पहला ऐसा सांसद होऊंगा और आप पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे कि जिसके लिए आप वोट मांगने आते हैं। मेरा यह सौभाग्य है, मैं वर्दी में हवाई जहाज पर था, मैं कप्तान था और बिहार के मुख्यमंत्री उस दिन सर मैं आपका कप्तान था, आप मेरे पीछे थे, आप मेरे पैसेंजर थे। मैंने तो उस दिन आपका स्वागत किया और आपका तो चर्चा धरती पर ही नहीं किया, 30,000 फीट की ऊंचाई पर विमान कक्ष के कॉकपिट से मैंने गर्व के साथ अपने बिहार के मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया, जो दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा और ये हमेशा मेरे लिए गर्व का विषय है। आज मैं कहीं भी बैठता हूँ गर्व के साथ बिहार के मुख्यमंत्री की चर्चा करता हूँ, गर्व के साथ बताता हूँ कि अगर धरती पर किसी ने काम करके दिखाया है तो वो नीतीश कुमार है। किया है शायद अब बिहार के लोगों को आपसे मांगने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हम आपके पास गए थे और आपने कहा था कि रूडी जी, अगर नया पटना का दिशा दिखता है तो वो सोनपुर, नया गांव और दिघवारा के बीच में दिखता है और उसी दिशा में आपने कहा कि रूडी जी, अब आपको तो पटना जाने के लिए आप तो हवाई जहाज के पायलट हैं, अब तो गांव से भी निकल के अपना वर्दी पहन के आप हवाई जहाज में पहुंच सकते हैं, आपको पटना जाने में अपने गाँव से 25 से 30 मिनट लगेगा। हम आपको आभार व्यक्त करना चाहेंगे, ये सच्चाई आपने करके दिखा दिया है और आने वाले दिनों में लोग इस इतिहास के पन्नों में सिर्फ कुर्सी पकड़ने से नहीं होता, इतिहास के पन्ने में वो लोग जाते हैं जो लोग के मनो दिमाग में 100 रुपया का खर्च होगा। कि जो बिजली का कनेक्शन पहुंच गया है और पहुंचा रहे हैं उसमें 5 रुपया में उतना काम आपका हो जाएगा। तब बताइए 100 रुपया जो खर्चा करते थे 5 तक पहुंचा दिया। हम लोग सबकी चिंता करते हैं, सबको मिलाकर एक साथ लेकर चलना चाहते हैं और सब लोग मिलकर चलेंगे आगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, देश बहुत आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों को 13 साल से मौका दिया है, सेवा कर रहे हैं। आप पुलिस में महिला कहां दिखती थी, अब यहां भी आपको दिख रही है, अब बाहर भी आपको दिखेगी। और महिलाओं का जो प्रतिशत पुलिस बल में बिहार में होने जा रहा है वो देश के किसी दूसरे प्रांत में नहीं है। और अब हर चीज में महिलाओं को आरक्षण, तो पूरे तौर पर सब लोग पुरुष रह गया तो 80 साल 100 साल तक जिएगा, उसके बाद मानव खत्म हो जाएगा धरती से। इसलिए ये मत सोचिए पुरुष और स्त्री दोनों के बदौलत ही दुनिया आगे बढ़ रही है और हम चाहते हैं बिहार और आगे बढ़े। इसके लिए नारी सशक्तिकरण, पुरुष और स्त्री दोनों का परस्पर सहयोग बहुत जरूरी है और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इस रूप में काम करते हैं, समाज सुधार के लिए काम करते हैं, लोग पैदा करते हैं, टकराव का माहौल बनाते हैं, बिना काम किए समाज का एक तबका साथ दे देता है। लेकिन भाई हम लोग तो काम करते हैं,
और जान लीजिए अब हर घर में नल का जल पहुंचा देंगे 2020 तक, स्वच्छ पेयजल, हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण। के बच्चे मदरसा स्कूल में पढ़ते थे, अब पढ़ते हैं, अब मदरसा वाले टीचर लोग गए थे सरकार से सहायता ज्यादा मांगने पटना, हम लोगों के तो आप लोगों ने जिम्मेवारी दी उसके पहले, पति पत्नी राज की बात, सहायता तो नहीं मिला लेकिन बढ़िया से पिटाई हुई थी पटना। हम लोग जब आए तो भाई हम अकेले थे, जनता दल यू भाजपा मिली जुली सरकार थी, एनडीए की सरकार, और हम लोगों ने मदरसा के शिक्षकों को ज्यादा सहायता दी और अभी भी जब हम तो सेवा करेंगे, लेकिन 13 साल से हम आपका सेवा कर रहे थे, हमको मजदूरी नहीं दीजिएगा, हम मजदूरी मांगने आए हैं और मेरे लिए मजदूरी और कुछ नहीं है। जो 6 तारीख को वोट है उसमें आप कमल छाप का बटन दबा करके भाई राजीव प्रताप रूढ़ी जी को जिताइएगा, वही हमारे लिए मजदूरी, तो मजदूरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा तो बताइए, दीजिएगा ना, अरे रूढ़ी जी को जिताइएगा ना, तब माला पहना दे, हम पहना दे ना। इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिले में जीएनएम संस्थान, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिले में महिला आईटीआई और हर एक सब डिवीजन में आईटीआई और एएनएम स्कूल और नए मेडिकल कॉलेज। अब छपरा के बारे में क्या कहना, आप क्या भी बनने वाला, और इसके बाद हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज, और सिर्फ निर्णय नहीं लिया, कोर्ट से सजा मिलती है, संविधान के में प्रावधान है, कोर्ट से सजा देने को कहिए फंसा दिया कोई, आश्चर्य की बात है, अचरज की बात है, बात संविधान की करिएगा, और संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी है और सजा न्यायपालिका दे सकती है, न्यायपालिका किसी को फंसाती नहीं है, लेकिन कहते हैं फंसा दिया गया, अरे अंदर होंगे तो अपने कारण से ना अंदर होंगे, फंसा दिया गया, कैसी बात तो करते रहते हैं समाज में, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। चर्चा कर दिए है, अब आप लोगों को कोई दूरी होगी, ये सारण जिला से, छपरा से और यहां से जाने के लिए पटना में कुछ समय तक और इंतजार करना पड़ेगा, कोई आपको दूरी लगेगा कि नहीं, ये ठीक कहते हैं, पटना का ही एक्सटेंशन हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, सब आप सब लोग उसी के अंग हो जाएंगे, आई धरती भी भाई सही धरती है, राजेंद्र बाबू की धरती है, हम तो न जाने कितनी बार आपके बीच में आए हैं, कितनी बार करेंगे, बेटा हो बेटी हो, पोता हो पोती हो, नाती हो नतनी हो, भतीजा हो भतीजी हो, भगना भगनी, जो भी आपकी जिम्मेवारी हो उनको पढ़ाइए, और चिंता मत करिए, 4 लाख रुपए तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सहायता मिलता है, फायदा उठाइए, पढ़ेंगे लोग आगे बढ़ेंगे, और ये काम कर रहे हैं, हजारों युवाओं ने इसका लाभ लिया, और क्या हाल था पहले, तकनीकी शिक्षा के लिए हमारे युवा पीढ़ी को बिहार के बाहर मजबूरी में जाना पड़ता था, बापू ने देश को आजाद कराया और उन्होंने उसी समय कह दिया था 7 सामाजिक पाप, उस 7 सामाजिक पाप में एक पाप है काम के बिना धन, अगर धन कमाते हो तो मेहनत करो, काम करके धन कमाओ, और बिना काम किए अगर धन कमाते हो तो ये पाप है, ये बापू ने कहा, सेवा का राजनीति सेवा का मौका है, धन कमाने का मौका नहीं है, तो अगर राजनीति में आकर कोई पैसा कमाता है धन कमाता है तो ये पाप है, ये पाप है, जलाना ना पड़ता था ढिबरी ललते, यही हाल था ना पहले, और हम लोगों ने कहा सब गांव में बिजली पहुंचाएंगे, सब टोले में बिजली पहुंचाएंगे, और उसके बाद कहा हर घर बिजली पहुंचाएंगे, 31 दिसंबर 2018 का लक्ष्य था, 2 महीना पहले हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब कोई जरूरत नहीं है, अब तो बल्ब जल रहा है, लालटेन की जरूरत खत्म हो गई पूरे बिहार से, ऐसा बिहार हम लोगों ने बना दिया, और जान लीजिए खाली पत्ती जलाने के लिए बिजली नहीं, आप खेती के लिए कर लीजिए, अभी तो बहुत तरह की बात लोग तो बोलते रहते हैं, 15 साल मौका मिला था, कुछ तो काम करके दिखाते, समाज के कमजोर तबके के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई तो काम करते, चाहे वो महिलाएं थी,
चाहे वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग थे, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, चाहे अति पिछड़े वर्ग के लोग थे, कुछ तो करते। आप बताइए 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ और पंचायत के चुनाव में महिलाओं को और पिछड़े वर्गों को छोड़ दीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण नहीं था। और 24 नवंबर 2005 को हम लोगों को काम करने का आप लोगों ने मौका दिया और 3 महीने में पंचायत का चुनाव था। हम लोगों ने कानून बनाया अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1%, अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया और महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। बिहार पहला राज्य। तो आपकी इजाजत से रूढ़ी जी को हमने माला पहना दिया। ध्यान यही रखिए, इनको जिताइएगा, केंद्र में फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, देश आगे बढ़ेगा, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने में पूरी सहायता मिलेगी। इसलिए आपने जब वचन दे दिया, संकल्प ले लिया, तो इससे